नमस्कार विद्यार्थियों, श्री राम विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 2 विषय गणित अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है संख्याएं, इसको हम पढ़ेंगे। संख्याएं, जैसा हम जानते हैं, संख्याएं हमारी जो होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो संख्याएं देखिए, जो मेन है वो तो हमारी कहाँ से शुरू होती है, जैसे अपन जानते हैं 1 2 3 4, लेकिन नहीं, सबसे पहले 0 1 2 3 4 और ये अनंत। और कुछ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, -1 -2 -3, ये आपको अगली कक्षाओं में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको संख्याएं बताई हैं। अब हमारे जो इस टॉपिक में दी है, हम उस पर फोकस करेंगे कि हमें इस टॉपिक में क्या समझाया गया है। उदाहरण के तौर पे हमने पहला प्रश्न लिया है, 5 5 के गुच्छे गिनकर बताइए कितने अंगूर हैं। देखिए, ये अंगूर के मैंने गुच्छे बनाए हैं जिसमें प्रत्येक गुच्छे में 5 5 अंगूर बनाकर दिखाने की कोशिश मैंने की है। तो यहाँ पर हमें गिनने हैं और फिर हमें बताना है कि कितने अंगूर हैं। देखिए, गुच्छे तो हमारे पास कितने हैं, 3। प्रत्येक गुच्छे में कितने अंगूर हैं, 5। तो हम कैसे इनको गिनकर बताएंगे कि ये देखिए, प्लस का निशान लगा दिया, यानी पहले गुच्छे में कितने अंगूर हैं, 5। दूसरे में कितने हैं, 5। और तीसरे गुच्छे में भी 5। आप इनको जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 5 15, यानी 15 अंगूर हैं इन 3 गुच्छों के अंदर। नेक्स्ट देखें, यहाँ भी मैंने गुच्छे बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4। इन 4 गुच्छों के अंगूरों को जब हम जोड़ेंगे, गिनेंगे, प्रत्येक में 5 5 अंगूर ही हैं, आप इनको फिर जोड़ दीजिए, 5 प्लस 5 5 प्लस 5, योग करेंगे, 5 5 10 15 और 5 20। यहाँ पर 2 गुच्छे हैं, दोनों ही गुच्छों में 5 5 अंगूर हैं, तो कितने अंगूर हो जाएंगे, कुल 10 अंगूर, ठीक है। एक उदाहरण और समझे आप, मैच कीजिए यानी मिलान। तो पहले मैंने लिखा है जिसमें आप सीधा सीधा, जैसे 7, यहाँ इसको मैंने लिखा है ये अंकों में ये शब्दों में, ये अंकों में 14 ये शब्दों में, ये अंकों में 24 और ये शब्दों में, ये तो सीधा सीधा हो गया। अगर मान लीजिए हमें ऊपर नीचे उल्टा सीधा दे, तो हम कैसे मैच करेंगे, तो बड़े ध्यान से और गौर से देखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 7, अब देखिए यहाँ पर इस कॉलम में, जैसे मान लीजिए इस कॉलम का नाम मैं ए दे दूँ, इसका नाम दे दूँ बी, ए को बी से मिलाना है, तो 7 में हमने देखा यहाँ पर है 7, इसको इससे मैच किया, 14 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और 24 ये यहाँ पर है। अब हम जो हमारी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए हैं उनको भी हल करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बिंदु लिखा है यहाँ पर, 1 से 100 तक संख्याओं को गिनना, बोलना, लिखना सीखें। यानी हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को हम गिनना भी सीखेंगे, बोलना और बोल बोल कर लिखना सीखें हम कॉपी में, एक बार दोबारा अभ्यास करें। वह शून्य की समझ, जो शून्य होता है उसकी समझ। पहला प्रश्न, मिलान कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ अंक लिखे हैं शब्दों में, यहाँ पर कुछ अंक लिखे हैं अंकों में, तो इनको मिलान करना है, 9। अब हम इस कॉलम में देखेंगे 9 कहाँ पर है, यहाँ, तो इसको हम अभी जैसे हमने उदाहरण में देखा था ये मैच करेंगे, 20, यहाँ 20 और ये 20, इसको आप इससे मैच कर देंगे, 12 12 कहाँ पर है, इसको आप इससे मैच कर दीजिए, 7 11 1 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 1 को आप 1 से मैच कर दीजिए, 16 18। अब 1 हमारा रह गया है, जो कहाँ पर रह गया है,
19, इस 19 को इस 19 से किए दीजिए। ठीक है, ये तो हमने किया मैच। नेक्स्ट प्रश्न, 10-10 अंगूरों के गुच्छे गिनकर बताइए कितने अंगूर हैं। यहां पर पहला हो रहा है 5 गुच्छे हैं और प्रत्येक में कितने हैं, 10 अंगूर। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 तो 0 ही आएगा पीछे का। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी उस गुच्छे में, 5 गुच्छों में कितने अंगूर हैं, 50 अंगूर। कितने, 50 अंगूर हैं। 3 गुच्छों में कितने होंगे, 3 बार 10 लिखा, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 अंगूर। नेक्स्ट 4 गुच्छे, एक गुच्छे में 10, फिर दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 अंगूर। 2 गुच्छे, पहले गुच्छे में 10, दूसरे गुच्छे में भी 10, दोनों को जोड़ा तो 20 अंगूर। 2 गुच्छों में आए 20 अंगूर। एक गुच्छा, एक गुच्छे में 10 अंगूर बराबर एक गुच्छे में कितने अंगूर, 10 अंगूर। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, साथ ही यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।